इन एसोसिएशन विद हिमालय क्विस्टा प्रो। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। आज सेहत पर हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो पुरुषों की बहुत ही आम समस्या है, पर वो शर्म के कारण इसके बारे में ना किसी से बात कर पाते हैं और ना ही डॉक्टर से सलाह लेते हैं। ये प्रॉब्लम है शीघ्र पतन, जिसको आप इंग्लिश में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी कहते हैं। अक्सर हमारे गांव और शहरों की दीवारें नीम हकीम और बाबाओं के इश्तिहारों से रंगी रहती हैं, जो इस प्रॉब्लम का इलाज करने का भी दावा करते हैं, पर इनके चक्करों में लोग फ़ायदे से ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ हमारे व्यूअर के साथ, जो नहीं चाहते हम शो पर उनका नाम लें। ये भागलपुर के रहने वाले हैं और एक साल पहले इनकी शादी हुई है। तब से वो बहुत परेशान है, शादी से नहीं अपनी समस्या से। उन्हें शीघ्र पतन की समस्या है, पर वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं कि वो अपने शो पर इसका इलाज बताएं। भाई साहब, हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे और इलाज भी बताएंगे डॉक्टर से पूछकर, पर वो इलाज लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इसमें शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि गलत दवा और गलत इलाज आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। खैर, सबसे पहले ये जान लीजिए शीघ्र पतन क्या है और क्यों होता है। नॉर्मल से कम समय में इजैकुलेशन हो जाए या वीर्य डिस्चार्ज हो जाए तो उसको हम लोग शीघ्र पतन कहते हैं। अब डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट तरीके से ये बीमारी दिखती है। कुछ लोगों में क्या दिखता है कि फोरप्ले के टाइम पे, जब सेक्स प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है, उसी टाइम पे इजैकुलेशन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि फोरप्ले हुआ, सेक्स स्टार्ट हुआ, जैसे ही इंसर्शन हुआ, जैसे ही पीनिस को इंसर्ट किया गया, इमीडिएटली डिस्चार्ज हो गया। और कुछ लोगों में क्या होता है कि इंसर्शन भी हो जाता है, लेकिन जो ड्यूरेशन होती है, जो टाइम होता है, वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि पेशेंट भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाते हैं, पार्टनर भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाते। तो वो टाइम है कितना, मेडिकली हम क्या टाइम बोलते हैं? तो देखिए, डिफरेंट गाइडलाइंस डिफरेंट बातें करती हैं। कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान 2 मिनट से भी कम टाइम में इजैकुलेशन हो जाए तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोला जाएगा। और कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर 1 मिनट से कम टाइम में इजैकुलेशन हो जाए तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोला जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखने की है कि ये समस्या 6 महीने से भी ऊपर समय तक लगातार चलती रहनी चाहिए, तभी हम एक मेडिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। कुछ लोगों का जो लिंग होता है, जो पीनिस होता है, वो इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, नॉर्मल से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब देखिए, जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना जल्दी एक्साइटमेंट के टाइम पे क्लाइमेक्स तक पहुँचेगा इंसान, और जितना जल्दी क्लाइमेक्स तक पहुँचेगा उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो ये भी पाया गया है कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, स्पेशली एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन, अगर उसके लेवल्स कम हो तो पीनिस की जो एक्साइटमेंट है उन लोगों में एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा जल्दी आती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। इसके अलावा कई और चीज़ें भी पाई गई हैं। मान लीजिए कोई नए पार्टनर के साथ आपका इंटरकोर्स हो रहा है, या फिर आप नया नया सेक्स करना शुरू किया आपने, तो क्योंकि नया है, स्टार्टिंग है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो उसमें भी कई बार जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। कई लोगों में पाया गया है कि अगर एंग्जाइटी है, मन में घबराहट है, उसकी वजह से डिस्चार्ज जल्दी होने लगता है। कुछ लोगों में ये भी पाया गया है कि अगर वो नशा करते हैं, जैसे अल्कोहल यूज़ करते हैं या किसी और प्रकार का नशा करते हैं, तो उसकी वजह से भी जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि जब वो लोग अल्कोहल यूज़ करने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो टाइम ज़्यादा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपका टाइम बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जाके टाइम कम ही हो जाता है। आमतौर पर ट्रीटमेंट से पहले हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, देख लेते हैं कि लीवर फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं है, किडनी फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं है, थायराइड के लेवल्स ठीक है कि नहीं है, अगर साथ में इरेक्शन की भी दिक्कत आ रही है तो कई बार टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी देख लिए जाते हैं। 2 प्रकार के ट्रीटमेंट हैं, एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट और एक होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। मेडिकल ट्रीटमेंट में आमतौर पे हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं जो कि बिलोंग करती हैं ग्रुप को जिसका नाम है SSRIs। इसके अलावा हम नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके भी पेशेंट्स को समझाते हैं। बेसिकली पेशेंट को बताया जाता है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे ही आपको पहली बार ये फीलिंग आए कि आपका एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रहा है, आप इजैकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, उसी टाइम इमीडिएटली आपको सेक्स कर को की जो एक्टिविटी है उसको या तो रोकना होता है या फिर उसको स्लो डाउन करना होता है।
बेसिकली आप चाहते हैं कि जो रबिंग हो रही है पीनिस की वो कुछ समय के लिए रुक जाए या कुछ समय के लिए स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि रबिंग स्लो होगी तो जो एक्साइटमेंट का बिल्डअप हो रहा था, जो एक्साइटमेंट बढ़ रही थी वो भी रुक जाएगा, और 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड का ब्रेक लेने के बाद फिर आप नॉर्मली फिर से सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर पाते हैं। व्यक्ति सीख जाता है अपने शरीर को कंट्रोल करना और उससे फिर वो टाइम को इंक्रीज कर पाता है। उम्मीद है जो भी लोग शीघ्र पतन की समस्या से जूझ रहे हैं ये जानकारी उनके काम आएगी। डॉक्टर से मिलने में ना हिचकें, इस समस्या का इलाज है, बस जरूरी है कि आप सही जगह से इसे लें। फर्जी लोगों के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कुछ लोगों की आंखें नीली, हरी, ग्रे क्यों होती हैं। वैसे दुनिया में ज्यादातर लोगों की आंखें भूरी या फिर गहरे भूरी रंग की होती हैं, जो आपको काली लगती हैं। पर कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोगों की आंखों का रंग लाइट क्यों होता है, जैसे कि नीला, हरा या फिर ग्रे? देखिए, आपकी आंखों में एक चीज होती है जिसे कहते हैं आयरिस। इस तस्वीर को देखिए, ये रहा आयरिस। आयरिस में होता है मिलानिन, नाम तो सुना ही होगा। मिलानिन एक पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन का कलर तय करता है। स्किन में जितना ज़्यादा मिलानिन होता है आपकी स्किन उतनी ज़्यादा डार्क होती है, और जितना कम मिलानिन होता है उतनी ज़्यादा लाइट। स्किन के साथ साथ ये मिलानिन आयरिस में भी होता है, आपके बालों में भी होता है। अगर इसमें यानी आपके आयरिस में मिलानिन ज़्यादा है तो आपकी आँखें भूरी या फिर गहरी भूरी लगती हैं, कम होता है तो हरी, अगर बहुत ही कम होता है तो नीली। ये मोटा माटी सबसे आम वजह होती है, समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए साबुत गर्म मसालों का कमाल। हमें से ज्यादातर लोग अपने खाने में गर्म मसाला तो डालते ही हैं, पर क्या आपको पता है कि साबुत गर्म मसाले सिर्फ आपके खाने का टेस्ट नहीं बढ़ाते, इसके और भी कई फायदे हैं। जैसे ये हाजमा ठीक करने में खूब मदद करते हैं। कैसे? देखिए, आपके पेट में होता है गैस्ट्रिक जूस, ये आपके नॉर्मल संतरे और नींबू के जूस से थोड़ा अलग होता है। आसान भाषा में समझें तो ये बैक्टीरिया को मारता है जो आपके खाने के साथ आपके पेट के अंदर आ जाते हैं। फिलहाल गरम मसाला गैस्ट्रिक जूस को पेट में रिलीज करने में मदद करता है, और यही नहीं, गरम मसाला आपकी भूख भी बढ़ाता है। लौंग एसिडिटी रोकने में मदद करता है, जीरा बदहजमी को रोकता है। फायदे ही फायदे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गर्म मसाले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नहीं तो फायदे से ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए, आप देख सकते हैं ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर ठीक रात 8 बजे, तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।